तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। इंग्लिश में इसको हम लोग जियोलॉजी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अध्ययन करने के लिए मेन रूप से आपका तीन साधन का अध्ययन किया जाता है। अप्राकृतिक, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत, और एक प्राकृतिक। अप्राकृतिक में हम लोग घनत्व, दबाव और तापमान, इन सभी चीज़ों को अध्ययन करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा रहा होगा। दबाव में याद रखिएगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो घनत्व या दबाव दोनों बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। ये भी याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी के जितना नीचे जाइएगा उतना ज़्यादा आपका दबाव और घनत्व बढ़ता है, और सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रोड का होता है, याद रखना है। पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो तापमान भी बढ़ता है, और नीचे में हम लोग 32 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत में, तो सिद्धांत में एक ग्रहाणु परिक्रमा है, एक ज्वारीय परिक्रमा है और एक वावण्य एवं निहारिका परिक्रमा है। तो ये आपका ग्रहाणु परिक्रमा में पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी क्रोड को ठोस बताया गया है। ज्वारीय परिक्रमा, वावण्य एवं निहारिका परिक्रमा में पृथ्वी के आंतरिक भाग को तरल बताया गया है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अच्छा साधन जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए वो प्राकृतिक, जिसमें हम लोग भूकंपीय तरंग और ज्वालामुखी का अध्ययन करके पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा रहा होगा। तो ये दोस्तों हमारा बेसिक हो गया। अब देखिए, पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग अगर देखते हैं ध्यान से, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग अध्ययन करके एक चित्र बनाया गया है। एक चित्र बनाया गया है जिसमें पृथ्वी के एक आपका हिस्सा को काट करके रख दिया गया है। इसी आधार पर हम लोग आपका जो है अध्ययन करते हैं और पृथ्वी की विभिन्न परतों को बांटते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ड स्वेस आए थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस जो थे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन पार्ट में बांटे थे, सियाल, सीमा, निप्पे। सियाल, सीमा, निप्पे। सबसे ऊपर वाला परत जो है ये आपका सियाल है, और बीच वाला परत सीमा है, और सबसे नीचे वाला परत निप्पे है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सियाल, सीमा, निप्पे, सबसे ऊपरी परत सियाल, बीच वाला परत सीमा, और सबसे नीचे वाला नीफ है। सियाल में देखिएगा, सियाल का निर्माण ग्रेनाइट नामक चट्टान से हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना है। किस चट्टान से? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से सियाल में क्या होता है? सिलिकन और एल्युमिनियम। सियाल में और किसकी प्रधानता होता है? तो अम्लीय पदार्थ। और सियाल का डेंसिटी कितना होता है? तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। और सियाल की गहराई जो होता है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर। सीमा में ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीमा वैसाल्ट नामक चट्टान से निर्मित होता है, और सीमा में सिलिकन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, यानी सीमा का निर्माण सिलिकन और मैग्नीशियम से होता है। इसमें क्षारीय पदार्थ होता है, और सीमा का डेंसिटी जो होता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू से 4.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू के बीच होता है, और इसकी गहराई जो होता है लगभग 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच होता है। और ज्वालामुखी के दौरान जो लावा मैग्मा होता है दोस्तों, वो लावा मैग्मा इसी आपका सीमा में तैरते रहता है। तो ये भी याद रखिएगा। निप्पे,
निफे में ज्यादातर रूपांतरिक चट्टान देखने को मिलता है और ये निकेल और लोहा का बना होता है। निकेल और लोहा, निकेल और लोहा को ही हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के किस भाग में चुंबकीय पदार्थ की प्रधानता होती है, तो आपका निफे में। इसके बाद निफे का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे नीचे न है इसलिए डेंसिटी ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा। ऊपर से नीचे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। इसका डेंसिटी लगभग 12 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये आप याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये फिगर में आपको बता रहा है कि रेड कलर वाला जो है, रेड कलर वाला वह हमारा आपका मेटल है, आपका ये हमारा सियाल है, उसके बीच वाला जो दिख रहा है ये हमारा सीमा है, और सबसे नीचे जो है आपका क्रोड है यहाँ पर भी। तो ये आपका एडवर्ड सेवेस के अनुसार आपका बताया गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तीन भाग में, सियाल, सीमा, निफे। सियाल का निर्माण ग्रेनाइट, सिल्कन, एल्युमिनियम, अम्लीय पदार्थ, डेंसिटी वगैरह याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आइए, इसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूकंपीय तरंग के आधार पर या आधुनिक वैज्ञानिक के विचारधाराओं के आधार पर एवं IUGG एक संस्था का नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर ज्योडेसी एंड जियोफिजिक्स, इसके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भाग बांटा गया, जिसमें सबसे ऊपर वाला हमारा भूपृष्ठ है, पृष्ठ को हम लोग अंग्रेजी क्रस्ट कहते हैं, बीच वाला परत भूपरवार है, भूपरवार को हम लोग अंग्रेजी में मेटल कहते हैं, सबसे नीचे वाला भाग जो है भूक्रोड है, अब भ्रूक्रोड को अंग्रेजी में कोर या क्रोड कहते हैं, ये याद रखिएगा, भूपरपट्टी, भूपरवार, आपका जो है क्रोड, क्रस्ट मेटल क्रोड, साल सीमा निफे, सेम चीज है। तो क्रस्ट में याद रखना है, इसकी गहराई आपका 33 किलोमीटर होता है और इसका डेंसिटी लगभग आपका 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू होता है, क्रस्ट यानी कि भूपरपट्टी का घनत्व। अब इसको अंग्रेजी में लिथोस्फीयर, यानी लिथोस्फीयर कहाँ पर होता है, तो आपका स्थल मंडल में। इसके बाद देखिए दोस्तों मेटल में आइए, तो मेटल की गहराई लगभग 33 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच आपका होता है, और इस मेटल का घनत्व 3 से 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। में भी आपका ऊपरी मेटल, निचली मेटल, ऊपरी मेटल में पी तरंग का 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि निचली मेटल में तरंग का वेग 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ऊपरी मेटल 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर के बीच होता है, जबकि निचली मेटल 700 किलोमीटर से 29 किलोमीटर के बीच होता है। इसी में हम लोग आपका दुर्लभता मेटल भी कहते हैं, और मध्य मंडल इसी में होता है, यानी ऊपरी मेटल को हम लोग कह देंगे दुर्लभता मेटल और आपका निचली मेटल को कह देंगे मध्य मंडल। इसको हम लोग दुर्लभता मेटल को हम लोग कहते हैं एसेथनोस्फीयर और मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, और इसी आपका मेटल में आपका ज्वालामुखी का मैग्मा तैरते रहता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों कोर यानी क्रोड, इसका गहराई 2900 किलोमीटर से लगभग 6378 किलोमीटर, और इसका घनत्व 5 से 14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, और इसे हम बेरिस्फीयर कहते हैं, बेरिस्फीयर कहते हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पृथ्वी के कुल आयतन का मेटल सबसे ज्यादा है, मेटल का आयतन लगभग आपका 83.5% और मेटल का द्रव्यमान, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का मेटल का द्रव्यमान 67.8%, यानी हमारे पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का सबसे ज्यादा द्रव्यमान मेटल और सबसे ज्यादा आयतन भी मेटल। क्रोड दूसरा नंबर पर आता है, पृथ्वी के कुल आयतन में क्रोड का कितना भाग है, 16% और द्रव्यमान में कितना, 32%। भूपरपट्टी सबसे कम है, आयतन कितना, 0.5% और द्रव्यमान कितना, 0.2। ये आपके एग्जाम के लिए VVI है, आज के समय में 2022-23 में जो एग्जाम अभी हो रही है उन सभी एग्जामों के लिए, SSC, रेलवे, BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
क्योंकि आप जो नहीं जानते हैं वही एग्जाम क्वेश्चन आपको जो है आता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे ज़्यादा आपका जो है भाग किसका है, मेटल का। द्रव्यमान में भी भाग किसका है, तो आपका मेटल का। दूसरा नंबर पर क्रोड और तीसरा नंबर पर भूपरपट्टी। एक देखिए दोस्तों, कॉनराड असमता। तो कॉनराड असमता जो होता है ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी के बीच होता है। मतलब कॉनराड असमता किसको बांटता है, तो ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। मोहो असमता किसको बांटता है, तो भूपरपट्टी और मेटल, भूपरपट्टी और मेटल को बांटने का काम करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से रेप्टी असमता। तो रेप्टी असमता जो होता है वो ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच होता है, ऊपरी मेटल एवं निचली मेटल। एक है गुटेनबर्ग असमता। तो ये होता है आपका गुटेनबर्ग असमता रेखा जो होता है, ये मेटल और क्रोड को बांटता है, मेटल और क्रोड। लेहमन असमता एक होता है। लेहमन असमता जो होता है ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड को बांटने का काम करता है। जैसे आप देखते हैं ऐसे फिगर में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप फिगर में अगर हम बनाए यहाँ पर फिगर में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग को आप ऐसे इस तरह से अध्ययन कीजिएगा, तो ये हो गया हमारा कौन, तो आपका ये हो गया बांटने वाला लाइन, और ये हो गया मेन, तो ये हो गया भूपरपट्टी, भूपरपट्टी हो गया, और ये हमारा हो गया मेटल, मेटल हो गया, और ये हमारा हो गया क्रोड, क्रोड हो गया। ध्यान रखिएगा, अब भूपरपट्टी में भी आपका दो पार्ट में इसको ही बांटता है, तो इसको दो पार्ट बांटने का काम करता है ये वाला लाइन, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। मेटल को भी दो भाग में बांट दिया, कौन, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। क्रोड को भी दो भाग में, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड। तो ध्यान रखिएगा कॉनराड असमता जो है ये आपका ये वाला लाइन है, ऊपरी भूपरपट्टी और निचली भूपरपट्टी। मोह असमता जो लाइन है ये हमारा ये है, आपका जो है भूपरपट्टी और मेटल को बांटता है। रेप्टी असमता जो है हमारा ये है, ये है ऊपरी मेटल निचली मेटल। इसके बाद आपका जो है हमारा जो आपका देखने को मिलता है गुटेनबर्ग असमता, तो ये हमारा ये वाला है मेटल और क्रोड। एक लेहमन असमता है, तो हमारा ये वाला लाइन है ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे भूपरपट्टी पर कुछ तत्व का मात्रा है, तो भूपरपट्टी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है 46.80%, सिलिकन है 27.7%, एल्युमिनियम है 8.13%, लोहा है 5%। तो सबसे ज़्यादा भूपरपट्टी पर कौन सा तत्व तो मिलेगा, ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा धातु कौन सा मिलेगा, तो एल्युमिनियम। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आइए आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों का मात्रा, तो संपूर्ण पृथ्वी, पृथ्वी में तत्वों का मात्रा, ये था भूपरपट्टी पर तत्वों का मात्रा, और यह है पृथ्वी में तत्वों की मात्रा। तो पृथ्वी में तत्वों की मात्रा में सबसे ज़्यादा लोहा कितना प्रतिशत, 35%, ऑक्सीजन 30%, और सिलिकन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.1%। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आपका पृथ्वी के आंतरिक संरचना में सियाल सीमा निफे भूपरपट्टी क्रस्ट मेटल हम लोग पढ़ें, बहुत ही अच्छा तरीका से आपका रिवीजन किए। तो आप लोग को वीडियो को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि वीडियो में कोई कमी आपका दिखता है तो उन कमी को दूर करने के लिए आप बताइए, नया मार्गदर्शन दीजिए, और हम अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।